हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास नंबर 126। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किडनी की फंक्शनिंग को, उसके जीएफआर को मॉड्यूलेट करते हैं, वो सभी आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए टोटल तीन मैकेनिज्म्स हैं, तीन ऐसे रेगुलेशंस हैं जो मिलकर किडनी को, किडनी के फंक्शंस को ऊपर नीचे करते हैं। उसमें सबसे पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, सेकंड है RAAS रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और तीसरा है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इसमें से रास वाला सिस्टम जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। ऊपर आई बटन में ज़रूर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप रास सिस्टम वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे, वो बेसिकली डिस्कस करेंगे हम ADH और ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ADH से। देखिए ADH से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो न्यूरोएंडोक्राइन वाले चैप्टर में हो या यहाँ पे हो, मैंने सबको एक साथ मिक्स कर दिया है यहाँ पे, ताकि हमको चीज़ें अलग अलग टुकड़ों में नहीं पढ़नी पड़े। शुरुआत करते हैं हम लोग ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए सबसे पहले तो इस हार्मोन का ऐसा नाम क्यों पड़ा वो देखेंगे हम लोग। देखिए एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है डाईयूरेसिस। टर्म क्या है? डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन। जब बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। और फिर एक टर्म आता है डाईयूरेटिक्स, यानी डाईयूरेटिक्स क्या होंगे? वो सभी सब्सटेंसेस जो डाईयूरेसिस करते हैं, जैसे टी और अल्कोहल, ये दोनों डाईयूरेटिक्स है, यानी इनको पीने से यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब ADH का नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी एक ऐसा हार्मोन जो डाईयूरेसिस को एंटी है, यानी उसका अपोज करता है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ADH डाईयूरेसिस होने नहीं देता। इसका मतलब ADH जो है वो यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है। ADH का ही एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। अब वैसोप्रेसिन इसका नाम क्यों पड़ा? वैसो का मतलब हो जाता है ब्लड वेसल्स, और प्रेसिन मतलब प्रेस करना, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ADH एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इनका हमने ऐसा नाम रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ADH का सोर्स क्या है, यानी ADH बनाता कौन है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो नीट में बार बार पूछा भी जाता है, कि ADH और इसके साथ साथ अगर ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे मैं साथ में ले लेता हूँ, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो बनाता कोई और है लेकिन रिलीज कोई और करता है। वो देखिए कैसे। देखिए ADH जो है वो बनता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस में बनने के बाद में ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों जाकर स्टोर हो जाता है कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में। और यहाँ पर स्टोर होने के बाद जब बॉडी को इन दोनों हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ADH और ऑक्सीटोसिन की, तब ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर ब्लड में पहुँचते हैं। तो ध्यान रखना है, बनेगा कहीं और ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं हाइपोथैलेमस में है, वहाँ पे बनने के बाद में स्टोर होते हैं कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहाँ से रिलीज होकर ब्लड में पहुँचते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिलेशन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये इनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट ये न्यूक्लियाई है। अब ये न्यूक्लियाई जो टर्म होता है नर्वस सिस्टम में, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियाई है ये वो न्यूक्लियस नहीं है जो सेल के अंदर होता है। जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। यानी हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया? हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये वही न्यूक्लियाई हैं जो ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस फिगर में ये तो इस तरफ होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इस तरफ हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आप बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ADH की, तो ADH बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और रिली और स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होने के बाद में ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेशन हो रहा है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी किससे बना है वो? न्यूरॉन्स में, यानी कि ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों जो हैं न्यूरॉन्स द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और यहाँ पर ये बनने के बाद में इस फिगर में आपको एक न्यूरॉन दिखाई दिया दे रहा होगा। इन न्यूरॉन द्वारा ADH ऑक्सीटोसिन बनाने के बाद में ये दोनों हार्मोन्स इनके एग्जॉन के थ्रू ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, यानी कि बेसिकली जहाँ पर दूसरे हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, वहाँ पर ADH और ऑक्सीटोसिन नर्व ट्रैक्ट के थ्रू पहुँचेंगे कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इस न्यूरल ट्रैक्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट।
ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये एक ऐसा न्यूरल ट्रैक्ट है. ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? पाथवे. एक ऐसा न्यूरल पाथवे है जो ज्वाइन करता है किसको? पहले हाइपोथैलेमो यानी हाइपोथैलेमस को और हाइपोफिजियल. हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल वर्ड बनाया हमने हाइपोफाइसिस सेरेब्राई से. पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को कनेक्ट करने वाला जो न्यूरल ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट, जो कि एक कनेक्शन है किसमें? हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में. और वहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स बनने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होंगे और फिर वहाँ से रिलीज किए जाते हैं. चलिए अब मैं ADH का फंक्शन देखता हूँ कि ADH कब काम करता है. ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ. देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत से चैप्टर्स और बहुत सारी कंडीशंस को मैंने लिंक करके यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो प्रेजेंट किया है, तो बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा. देखिए मैं अलग अलग कंडीशंस की बात कर रहा हूँ और इन अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से ADH आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे. समझिए ऐसा कोई कंडीशन हो गया जिसमें आपकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, यानी एनी डिहाइड्रेशन कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें आपकी ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया, या फिर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें आपके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो गया? कम. या फिर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें आपके ब्लड के अंदर की जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया. समझे मेरी बात को? बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम हो गया और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. अब इन चारों कंडीशंस के अंदर क्या होगा? इन चारों कंडीशंस के अंदर आपका ब्लड का ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा. ब्लड ऑस्मोलरिटी, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोलर कंडीशन रहता है, उतना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी रहता है. ब्लड के अंदर का जो वाटर कंटेंट है अगर वो कम हो जाए तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, या फिर ब्लड के अंदर का जो सल्यूट कंसंट्रेशन जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए तो ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, इन दोनों केस के अंदर. अब आप चारों केस की बात कर लो, इन चारों केस में क्या होगा? ब्लड ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी. जब ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होता है उस वक्त आपके हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. ऑस्मो रिसेप्टर्स यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो ऑस्मोसिस में आने वाले चेंजेस को रिसीव कर ले या सेंस कर ले, उनको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स. कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में. तो ये हाइपोथैलेमस जब ब्लड का ऑस्मोलरिटी बढ़ता है तो ये हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और ये दो तरीके से एक्ट करते हैं. इनका पहला तरीका ये है कि ये आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट एक थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं. अब देखिए याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस. जो सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, इसको आप कहते हो थर्स्ट सेंटर कहते हो, हंगर सेंटर कहते हो और टेम्परेचर सेंटर भी आप इसे कहते हो. फिलहाल यहाँ पर जो काम आ रहा है वो है थर्स्ट सेंटर. जब हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तब ये आपके थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं. जब थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा तब आपको प्यास लगने लगती है और जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं और ये पानी फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है? हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी से हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जिसकी वजह से जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया. सेकेंड तरीका जिससे कि हाइपोथैलेमस एक्ट करता है वो एक्ट करता है कैसे? ADH को रिलीज करवाकर. ADH आपके ब्लड में पहुंचेगा. अब इसका नाम ही एंटी डायूरेटिक है, यानी कि ये डायूरेसिस को कम करेगा. कैसे कम करेगा? तो देखिएगा यहाँ पर ADH सीधा जाकर एक्ट करेगा किस पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट पर और DCT और CD पर एक्ट करके वो वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होके कहाँ आएगा? वो आएगा ब्लड के अंदर. और जब ब्लड के अंदर वाटर पहुँचेगा तो वाटर का लेवल इंक्रीज होगा. आपके ब्लड के अंदर का जो वाटर है वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. तो जब वाटर इंक्रीज होगा फ्लूइड्स के अंदर तो जो ऑस्मोलरिटी है वो वापस क्या हो जाएगी? कम. यानी शुरुआत की थी हमने कहाँ से? ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ाने से. और दो मैकेनिज्म के थ्रू हमने ब्लड ऑस्मोलरिटी को वापस क्या कर दिया? कम. अब जैसे ही ये ब्लड ऑस्मोलरिटी वापस कम होगी उसी वक्त ये वापस हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक देता है और उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेटेड, यानी कि इनहिबिट हो जाएंगे. और जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तब ये ADH के रिलीज को वापस कम कर देते हैं और आपको प्यास लगना भी कम हो जाता है. इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन. आई होप आपको ADH का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो. ठीक है, अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो. नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम ये पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं. देखिए अब मैं
ने लास्ट वीडियो अगर आपने हमारा देखा हो रास वाला, तो उस रास में हमने डिस्कस किया था एक सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से रेनिन जब एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है तब ये एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। जैसे ही सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर उसके पीछे पीछे पहुँचता है जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम वापस मेंटेन होता है। कुछ इसी तरह से कुछ इसी अंदाज में काम कर रहा है ADH। तो ADH और एल्डोस्टेरोन में जो इस कंसेप्ट को लेकर डिफरेंस है वो समझेगा अच्छे से और नीट के लिए ध्यान रखिएगा, नीट में ये क्वेश्चन पक्का आता है। देखो ADH कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ADH कहाँ एक्ट करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट पे, जबकि एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है केवल DCT पर, एल्डोस्टेरोन का CD के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसके अलावा ADH जो है वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है जबकि एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, और वाटर उसके पीछे पीछे वाटर पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से मूव करता है, जबकि ADH डायरेक्ट वाटर का ही रीअब्सॉर्प्शन करता है और एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करता है। तो ये इनके एक्शन में डिफरेंस होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है और एक्शन साइट इन दोनों का डिफरेंट है। चलिए हम डायरेक्ट हम तीसरे पे चलते हैं, ANF पे। रास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ANF का दूसरा नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या ANP। सबसे पहले इसके नाम पे जाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं इसका जो नाम है उसमें आ रहा है एट्रियल। एट्रियल वर्ड हमने कहाँ से लिया होगा, ये वर्ड हमने लिया है एट्रिया, हार्ट के अंदर ओरिकल्स या एट्रिया प्रेजेंट होता है, ये वही एट्रिया की बात कर रहे हैं। फिर ये वर्ड मैं सेकेंड वर्ड को मैं अगर स्प्लिट करूँ तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा, नेट्री और यूरेटिक। नेट्री अगर केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सोडियम का दूसरा नाम होता है नेट्रियम, तो नेट्री यहाँ पर किसको कह रहे हैं हम, सोडियम को, और यूरेटिक का मतलब हो जाएगा यूरिन, यानी कि एट्रियास से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। उसके अलावा ये यूरिन के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ाता है जिसे हम कहते हैं नेट्रीयूरेसिस। नेट्रीयूरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरिन में ज़्यादा सोडियम का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ये जो फैक्टर है, ये जो पेप्टाइड है, ये बेसिकली हार्ट की एट्रिया की वॉल से रिलीज होता है और यूरिन के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ाता है। अब ये एक्शन कैसे करेगा, एक्शन देखते हैं हम लोग। समझिए BP इंक्रीज हुआ, यहाँ पर देखिएगा दो कॉमन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, एल्डोस्टेरोन और ADH। एल्डोस्टेरोन और ADH ये दोनों हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज। ADH और एल्डोस्टेरोन ये दोनों ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज। ये दोनों कब स्टिमुलेट होता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, यानी जब बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। लेकिन ANP इनका दोनों का अपोज करता है, ये तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ANP ब्लड प्रेशर को वापस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये काम कैसे करेगा वो देखिएगा कि बॉडी में एक ऐसी कंडीशन हो गई जब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड कौन पंप कर रहा है, हार्ट पंप करता है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो तो ओके निकलेगा ऑरिकल्स के थ्रू, तो ऑरिकल्स उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं और ऑरिकल्स जब इस चीज़ को सेंस करते हैं तो वो रिलीज करते हैं ANP, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अब ये ANP टोटल तीन अलग अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये करवाता है वेजोडाइलेशन। अब हमें अच्छे से पता है जब होता है वेजोडाइलेशन तब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस। सेकेंड तरीके से ANP सीधा एक्ट करेगा किडनी के ऊपर और किडनी पे एक्ट करके ये GFR को करेगा इंक्रीज। अब हमें अच्छे से पता है जब GFR इंक्रीज होगा, जब ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसी ज़्यादा अमाउंट में सोडियम वहाँ से बाहर निकलने लगेगा, यानी ANP की वजह से जो सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो यूरिन से पास ऑन होने लगा है क्योंकि हमने GFR इंक्रीज किया है। जब नेट्रीयूरेसिस होगा यानी कि यूरिन से सोडियम बाहर निकलने लगेगा तो ब्लड के अंदर सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये दो तरीके। तीसरा तरीका में ANP क्या करता है, ये सीधा सीधा इनहिबिट करवाता है रेनिन को। रेनिन हमने पढ़ा था कि रेनिन क्या करता है, रेनिन एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है और एल्डोस्टेरोन बाद में सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है, सोडियम का लेवल ज़्यादा है, तब रेनिन इनहिबिट हो जाएगा। जब रेनिन इनहिबिट होगा तब रेनिन सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन को और कम कर देगा। अल्टीमेटली जब सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड के अंदर सोडियम का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम। जब सोडियम का अमाउंट ब्लड में कम होने लगता है तब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और वेजोडाइलेशन से भी क्या हुआ था, ब्लड प्रेशर रिड्यूस। यानी ये जो तीन तरीके हैं, पहला तरीका वेजोडाइलेशन, सेकंड तरीका GFR इंक्रीज करना और तीसरा तरीका रेनिन इनहिबिट करना, इन तीनों से अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलता है अपने को वो मिलता है ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता ना। यानी ANF
बढ़े हुए बीपी को कम करता है, जबकि एल्डोस्टेरोन और एडीएच ये दोनों गिरे हुए यानी कम हो रखे बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों इस तरह से किडनी के जो फंक्शंस है इसको रेगुलेट करते हैं, और यही कारण है कि हम लोग किडनी को बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन मानते हैं। होम्योस्टेटिक ऑर्गन किसे कहते हैं? होम्योस्टेटिक ऑर्गन एक वो ऑर्गन जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर के जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको कॉन्स्टेंट रख के चलना। हमने देखा किस तरह से रेनिन, एल्डोस्टेरोन ये सभी मिलकर किस तरह से बॉडी के अंदर जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है, जब सोडियम कम होता है तो बढ़ाता है, जब सोडियम बढ़ा हुआ होता है तो उसे कम करता है, यानी क्या कर रहा है, सोडियम के लेवल को कुल इक्विलिब्रियम पे लाकर छोड़ता है, यानी ये होम्योस्टेसिस करवाता है। इसलिए किडनी को होम्योस्टेटिक ऑर्गन कहते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से पढ़ते रहो और कंसेप्ट पे फोकस करो। थैंक यू वेरी मच।